Top 10 Most Beautiful Roses in the World. Number 1. Double Delight. दोहरा आनंद वास्तव में ग्रह पर सबसे महान गुलाबों में से एक है। यह भव्यता और सुगंध दोनों में प्रसिद्ध है। यह आश्चर्यजनक पौधा हड़ताली लाल स्वर के साथ विशाल मखमली खिलता है। प्रत्येक फूल में 30 से 35 पंखुड़ियां होती है। इसी तरह दुगना आनंद गुलाब भी खिलते मौसम के दौरान गंभीर जोशीला सुगंध पैदा करता है। दुगना आनंद गुलाब निश्चित रूप से अत्याधुनिक नर्सरी और शो के लिए एक अच्छा निर्णय है। एक आकर्षक समृद्ध स्वर को बढ़ावा देने के लिए दोहरे आनंद गुलाब को पूर्ण सूर्य खुलापन मिलना चाहिए। यह लगभग 1.5 मीटर के स्तर तक विकसित होता है। वसंत ऋतु में छंटाई एक और महत्वपूर्ण बात है जिस पर आपको विचार करना चाहिए। यह आपके दोहरे आनंद के पौधे को और अधिक फूल देगा। वसंत से पतझड़ तक विशाल ज्वलंत और उच्च केंद्रित अंकुर दिखाई देंगे। नंबर 2, काला बकारा। पहली नजर में डार्क बकारा एक विशाल रमणीय गहरा गुलाब प्रतीत होता है, फिर भी यह कल्पना के किसी भी खिंचाव से एक काला गुलाब नहीं है। तथ्य की बात के रूप में इसकी पंखुड़ियों की उपन्यास मखमली सतह में गहरे स्वर के साथ ताकत के गंभीर क्षेत्र हैं। डार्क बकारा अपने करीबी डार्क टोन के लिए गुलाब प्रेमियों के बीच भी प्रतिष्ठित है। प्रत्येक खिलने में 4 रेंगने लगते हैं और इसमें 45 पंखुड़ियां होती हैं। डार्क बकारा गुलाब आपकी नर्सरी और शो के लिए एक अविश्वसनीय विस्तार हो सकता है। इस गुलाब को स्थापित करने के लिए आपको पूर्ण सूर्य के खुलेपन वाला क्षेत्र चुनना चाहिए। डार्क बकारा के ध्वनि विकास के लिए सुनिश्चित करें कि आप इसे बहुत कम मिट्टी में रोपें। चमचमाते मखमली रंग के फूल वसंत से पतझड़ तक दिखाई देंगे। नंबर 3, स्वर्ण पदक। जैसा कि नाम से पता चलता है, गोल्ड अवार्ड प्लांट में विशाल शानदार सुस्त सोने की छायादार फूल खिलते हैं। इसके फूल गुच्छों में बनते हैं और प्रत्येक गुलाब में 30 से 40 पंखुड़ियां होती है। कोमल तापमान के दौरान सोने की सजावट वाले गुलाब की छटा अधिक असाधारण हो जाती है। गोल्ड अवार्ड की चरम फल सुगंध इसे आपकी नर्सरी में भरने के लिए सबसे आश्चर्यजनक गुलाबों में से एक बनाती है। गोल्ड अवार्ड एक उत्कृष्ट और लगभग कांटेदार उबड़ खाबड़ पौधा है। यह 36 रेंगने के स्तर तक पहुंच जाएगा। एक ठोस विकास के लिए इस पौधे को पूर्ण सूर्य के खुलेपन की आवश्यकता होती है। आपको वसंत और सर्दियों में भी इसकी छड़े कम करनी चाहिए। चमकदार सुस्त सुनहरे रंग के फूल वसंत से गर्मियों तक दिखाई देंगे। नंबर 4, रैप्सोडी इन ब्लू। नीले रंग में गीत एक अविश्वसनीय रूप से शानदार गुलाब है जिसमें नीले रंग को रिकॉर्ड करने के लिए मौवे और बैंगनी धुंध की छाया है। विशाल गुच्छों में एक अर्धदोहरी गुलाब की संरचना। नीले गुलाब में सुंदर रचना सबसे पहले कुल नीले छायांकित फूलों के रूप में खुलती है। हालांकि लगातार वे रिकॉर्ड नीले रंग में धुंधला हो जाते हैं। यह भी एक अविश्वसनीय कट ब्लूम है और शो के लिए बेहतर विकल्प हो सकता है। संरचना को नीले रंग में स्थापित करने के लिए मध्यम तापमान और भिन्नात्मक सूर्य का चयन करें। संयंत्र 1.2 मीटर के स्तर तक बढ़ेगा। शानदार खिलना पूरे मध्य वर्ष के मौसम में दिखाई देगा। नंबर 5, विक्टर ह्यूगो। विक्टर ह्यूगो गुलाब ग्रह पर सबसे प्यारे लाल गुलाबों में से एक है। यह 25 से 30 पंखुड़ियों के साथ सुस्त लाल रंग के विशाल फूल देता है। ठोस सुगंध इस गुलाब का एक और असाधारण तत्व है। इस तरह विक्टर ह्यूगो गुलाब फूलों के बंडल और कंटेनर बनाने के लिए एक अच्छा निर्णय है।
विक्टर ह्यूगो गुलाब के पौधे 1 मीटर के स्तर तक बढ़ेंगे। इसे पूर्ण सूर्य खुलेपन की आवश्यकता है। सर्दियों और वसंत ऋतु में इस गुलाब के पौधे के लिए प्रूनिंग एक निर्विवाद आवश्यकता है। विक्टर ह्यूगो गुलाब का अंकुरण वसंत ऋतु में शुरू होगा और यह पतझड़ तक फिर से शुरू होगा। नंबर 6, अल्ब्रेक्ट ड्यूरर। विशाल आड़ू मिश्रित नारंगी फूलों वाला एक आकर्षक गुलाब का पौधा। इस गुलाब के नारंगी रंग की ताकत जलवायु के साथ बदलती रहती है। साल के ठंडे मौसम में यह गुलाब नारंगी के विपरीत गहरा गुलाबी दिखता है। अल्ब्रेक्ट ड्यूरर गुलाब की सुगंध मूल रूप से इसकी उत्कृष्टता के रूप में जानी जाती है। यह नाक संतोषजनक गंभीर फल सुगंध पैदा करता है। इस गुलाब को आप छोटे होल्डर्स पर लगा सकते हैं। यह 90 सेंटीमीटर के स्तर तक बढ़ेगा। अल्ब्रेक्ट ड्यूरर गुलाब के लिए छंटाई और मध्यम पानी देना महत्वपूर्ण है। नंबर 7, लाल ईडन। रेड ईडन विशाल दिनांकित चमकदार लाल फूलों के साथ एक आश्चर्यजनक चढ़ाई वाला गुलाब है। रेड ईडन के एकांत खिलने का सामान्य माप 5 इंच होता है और इसमें 110 पंखुड़ियां होती है। लाल ईडन गुलाब इसी तरह ग्रह पर सबसे अच्छे सुगंधित गुलाबों में से एक है। इसने अत्यधिक कोमल अनुकरणीय गुलाब की खुशबू फैलाई। रेड ईडन एक ध्वनि और बिना रुके खिलने वाला गुलाब का पौधा है। यह सुंदर चढ़ाई वाला गुलाब दीवारों के लिए उपयुक्त है। लाल ईडन गुलाब पर वास्तव में ध्यान केंद्रित करना बुनियादी है। पौधे को पूर्ण सूर्य और मध्यम पानी की आवश्यकता होती है। आने के बारे में भूलने से पहले आपको इसी तरह पौधे की छंटाई करनी चाहिए। लाल ईडन गुलाब का खिलना वसंत ऋतु में शुरू होगा और शेष गर्मियों तक चलेगा। नंबर 8, विंचेस्टर कैथेड्रल। यह एक बार बार खिलने वाला अंग्रेजी गुलाब है जो आकर्षक सफेद फूलों को आकर्षित करता है। यह मध्यम अनुमानित गुलाब 80 से 85 पंखुड़ियों के साथ 2.25 रेंगता है। इसकी भव्यता के अलावा विंचेस्टर चर्च अपनी ठोस सुगंध के लिए भी प्रतिष्ठित है। यह बादाम खिलने और शहद के निशान के साथ एक आकर्षक सुगंध प्रदान करता है। विंचेस्टर हाउस ऑफ गॉड एक बीमारी से सुरक्षित पौधा है। यह इसी तरह विकसित होता है और एक महत्वपूर्ण खिंचाव के ऊपर और बाहर खिलता है। बीज को आपकी नर्सरी के एक टुकड़े में स्थापित किया जाना चाहिए जहां इसे आंशिक सूर्य मिलता है। संयंत्र 1.2 मीटर के स्तर पर विकसित होता है। मुख्य फूल गर्मियों में दिखाई देगा और यह पतझड़ तक बार बार उगता है। नंबर 9, माइकल एंजेलो रोज। विशाल समृद्ध पीले फूलों के साथ माइकल एंजेलो गुलाब का अविश्वसनीय दिनांकित रूप है। सामान्य परिस्थितियों में इसके फूल 5 रेंगते हुए खुलते हैं। प्रत्येक अंकुर में 40 से 45 पंखुड़ियां भी होती हैं। माइकल एंजेलो इसी तरह अपनी गंभीर नींबू सुगंध के लिए प्रतिष्ठित हुआ। फूलों के बंडल बनाने के लिए यह एक अच्छा निर्णय है। माइकल एंजेलो गुलाब को स्थापित करने के लिए वह चुने जहां उसे अधूरा सूर्य मिलता है। पौधा 4 फीट तक बढ़ता है। सुनिश्चित करें कि इसे मध्यम पानी मिले। रमणीय समृद्ध पीले फूल मध्य वसंत से पतझड़ तक दिखाई देंगे। नंबर 10, जोसेफ का कोट गुलाब। इस घटना में कि आप अपनी नर्सरी के लिए एक अद्भुत चढ़ाई वाले गुलाब की तलाश कर रहे हैं, जोसेफ की जैकेट आपके लिए सबसे आदर्श निर्णय हो सकती है। वास्तव में कोई अन्य चढ़ाई वाला गुलाब अनिवार्य रूप से उतना ज्वलंत नहीं है जितना कि जोसेफ की जैकेट गुलाब। यह शानदार किस्म के छिपे हुए नारंगी लाल रंग के मध्यम फूल पैदा करता है।
यह आपकी नर्सरी में दीवारों और मेहराबों पर अच्छी तरह विकसित होता है। यह गुलाब का पौधा रोग रहित होता है और 8 से 10 फीट की ऊंचाई तक पहुंचता है। आपको एक ऐसा क्षेत्र लगाना चाहिए जो पूर्ण सूर्य देता हो। इसी तरह पूरे विकासशील मौसम में पानी देना भी महत्वपूर्ण है। जोसफ जैकेट रोज एक नॉनस्टॉप स्प्राउटिंग प्लांट है। शानदार विविध फूल वसंत से गर्मियों तक बार बार दिखाई देंगे। फूल समान रूप से हल्के फल सुगंध वाले होते हैं। तो कैसा लगा आपको हमारा यह वीडियो? अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।